फिर भी और स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। आज के सेशन में हम सीखेंगे एक्सेल का यूज करके हम एसक्यूएल डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल क्रिएट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं। ओके, इस एक्सेल में हम एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। टेबल के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले यहाँ पे कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम में फर्स्ट हम दे देते हैं आईडी, सेकंड हम दे देते हैं नेम, और थर्ड दे देते हैं डिपार्टमेंट। आईडी नंबर वन डालते हैं, यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं मंजेश, डिपार्टमेंट डाल देते हैं हम अकाउंट, सॉरी आईडी नंबर टू पे डालते हैं हम अभिषेक, डिपार्टमेंट डाल देते हैं इनका सेल्स, आईडी नंबर थ्री पे डाल देते हैं हम त्रिलोकी, डिपार्टमेंट इनका अकाउंट, आईडी नंबर फोर में डाल देते हैं हम नरेंद्र, डिपार्टमेंट दे देता हूँ टेक सपोर्ट। तो आईडी नंबर फाइव में हम डाल देते हैं शैलेंद्र, डिपार्टमेंट डाल देते हैं सपोर्ट। आईडी नंबर सिक्स पे डाल देते हैं हम पवन, डिपार्टमेंट डाल देते हैं इनका प्रोजेक्ट। आईडी नंबर सेवन पे डाल देते हैं हम श्वेता, डिपार्टमेंट एचआर। आईडी नंबर एट पे डाल दिया हमने पूजा, डिपार्टमेंट एचआर, सॉरी। सबसे पहले ये जो टोटल डेटा है कंट्रोल ए करके इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इस रेंज का एक नेम देंगे। राइट क्लिक करोगे आप, नेम और रेंज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसे हम दे देते हैं एम्प्लॉयज, सॉरी एम्प्लॉयज, ये रेंज का नाम दे दिया हमने। फिर इस फाइल को हम सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, इसको भी हम एम्प्लॉय के नेम से सेव कर लेते हैं। क्लोज करते हैं, ये एम्प्लॉयज के नेम से हमने सेव कर लिया ये फाइल। अब सबसे पहले हम ओपन करेंगे एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस के रेडियो बटन पे क्लिक करोगे, एक्सटेंड बटन पे ये टोटल डेटाबेस आ जाएगा। इस डेटाबेस के अंदर देख लेते हैं कोई टेबल है क्या, कोई टेबल नहीं है। हम इस डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक टास्क, टास्क में एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे डेटा सोर्स के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसके बाद एक्सेल फाइल का पाथ आप दोगे ब्राउज डेस्कटॉप एम्प्लॉयज, डबल क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा ये, नेक्स्ट। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसमें एसक्यूएल नेटिव क्लाइंट 10.0 ही रहेगा, सर्वर नेम, ठीक है। विंडो ऑथेंटिकेशन मोड में भी डाल सकते हो और एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन मोड में भी डाल सकते हो। हम विंडो मोड पे ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे हमने जो रेंज का नेम दिया था ये एम्प्लॉइज के नेम से दिया था, इसे सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी हम फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे, ये डेटा ट्रांसफ़र होने लगा, टोटल एट रो ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। अभी हम इस पर एक बार राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश, फिर टेबल के अंदर जाएंगे, ये देखेंगे, ये देखिए टेबल क्रिएट हो गया। हम देख लेते हैं इसके अंदर डेटा आया नहीं आया,
सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे फ्रॉम डेटाबेस का, हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, टेबल का नाम दोगे आप एम्प्लॉइज। F5 बटन प्रेस करके एग्जीक्यूट करोगे, ये टोटल डेटा आ गया, टेबल का डिटेल आ गया, इस टेबल में हमने ये एंट्री करके इंपोर्ट किया था। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले।